सफलता प्रदान करेगा। चूंकि आज सोमवार का दिन है तो आज के योगायोग के कारण भगवान श्री नीलकंठ का, भगवान श्री आशुतोष का व्रत करना, पूजन करना, उपाय करना आप सभी के लिए श्रेष्ठ रहेगा। सोम पुष्य नक्षत्र के दिन नीलकंठ भगवान का, शंकर भगवान का विशेष पूजन करने से, व्रत करने से, उपाय करने से निश्चित तौर पर आप खुशहाल बनेंगे। आपकी हर अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी, धन का लाभ होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, विवाह का सुख मिलेगा, अपना घर खरीदने का सपना पूरा होगा। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, 100% एग्जाम में सफलता मिलेगी। हमारे वो दर्शक जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, लकवा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें ऐसी गंभीर बीमारियों से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की, और आप पंडित जी से जानते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में, सोम पुष्य नक्षत्र के बारे में कि क्या कुछ पूजन विधि आज आपको करनी है। सोम पुष्य नक्षत्र किसे कहा जाता है कि सोमवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र का संयोग हो तो उसे सोम पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। तो आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव का, माँ गौरी का, भगवान श्री गणेश का गंगा जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, छाछ से, शहद से, सुगंधित इत्र से, बूरे से, विभिन्न प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा। किस किस का? भगवान शिव का, माँ गौरी का और भगवान गणेश का। दशोपचार उनका पूजन करें। भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पण करें, दुर्वा अर्पण करें, शमी पत्र अर्पण करें। माँ गौरी को लाल चुनरी अर्पण करें, श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, धतूरा अर्पण कीजिएगा, भांग अर्पण कीजिएगा। नील कमल मिल जाए, नीले रंग का कमल मिल जाए तो नील कमल अर्पण कीजिएगा। गंध पुष्प अक्षत फल पान सुपारी निवेद इत्यादि भगवान को, भोलेनाथ को, माँ गौरी को, भगवान गणेश को अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीपदान कीजिएगा, चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र में जो आपको बताऊंगा उस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। सोम पुष्य पूजन मंत्र में आज आपको बताने जा रहा हूं। सोम पुष्य पूजन मंत्र रहेगा ओम सोम पुष्य नक्षत्र देवताय नमः, ओम सोम पुष्य नक्षत्र देवताय नमः, ओम सोम पुष्य नक्षत्र देवताय नमः, ओम सोम पुष्य नक्षत्र देवताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति कम से कम 108 बार तो जाप करना है। पूजन के पश्चात भोलेनाथ की, माँ गौरी की, भगवान गणेश की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात में गौशाला जाइएगा, गौ माता की आज सेवा कीजिएगा। गरीब लोगों को, असहाय लोगों को गर्म दूध का सेवन कराइएगा, दही का दान कीजिएगा, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिएगा, शक्कर का यथाशक्ति आज दान कीजिएगा। अनाथाश्रम वृद्धाश्रम में एक बोरी शक्कर का दान कीजिएगा। तो जो भी भक्त आज सोम पुष्य नक्षत्र पे नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्री आशुतोष की, भोलेनाथ की, नीलकंठ की, माँ गौरी की, भगवान गणेश जी की पूजन अर्चन करेंगे, उनके घर पे होगी धन की वर्षा। बारिश का मौसम है, पानी की बूंदों के साथ अमृत भी बरस सकता है, धन भी बरस सकता है। मिलेगी दरिद्रता, कर्ज से मुक्ति, मिलेगा कुबेर का खजाना, हीरे मोती रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण सहित अपार धन लक्ष्मी। बिल्कुल, तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरह से आप पूजन कर सकते हैं, क्या कुछ मंत्र हो सकता है, लेकिन चमत्कारिक टोटका आप पंडित जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय। ऐसे उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल गुड फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान, और उसमें भी आपका पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में ही बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, निश्चित तौर पे करोड़पति के अरबपति बनना चाहते हैं, आजकल करोड़पति से कुछ नहीं होता है। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अलमारी में धन भरा रहे, आपके कैश काउंटर में खूब पैसा आए, आपकी दुकान के अंदर जो है वो खरीदारों का तांता लगा रहे, आप खाली नहीं बैठे,
यदि हाँ तो आज सोम पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर, सोम पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर करें ये महाचमत्कारिक टोटका। मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। आपको करना क्या है ये समझ लेते हैं। आज सोमवार के दिन गुलाब जल मिश्रित शुद्ध जल से, गुलाब जल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके, आज आपको भी गुलाब जल से स्नान करना है, ध्यान रखिएगा। स्नान करने के पश्चात में सफेद रंग के वस्त्र पहन लीजिएगा। अपने पूजा कक्ष में, पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ नॉर्थ साइड में फेस करके गरम आसन के ऊपर, ऊनी आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा अपने सामने। उस चौकी अर्थात बाजोट पर एक लाल वस्त्र को बिछा दीजिएगा। उस वस्त्र पर हरिद्रा से रंगे चावलों का, हरिद्रा यानी हल्दी, हल्दी से रंगे चावलों का अष्टदल बना दीजिएगा और उस अष्टदल पर श्रीयंत्र की स्थापना कीजिएगा। पारद से बनी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना कर दीजिएगा। पारद यानी पारे से बनी लक्ष्मी जी की स्थापना कर दीजिएगा। श्रीयंत्र और पारद निर्मित माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। पारद के हनुमान जी, पारद के गणेश जी भगवान, पारद का शिवलिंग, पारद की माँ लक्ष्मी घर में पूजा के स्थान पर रखने से, जिस घर में ये सब पारद के होते हैं, हनुमान जी महाराज पारद के हों, आपके शिवलिंग पारद का हो, गणेश जी भगवान पारद के हो, माँ लक्ष्मी पारद की हो, उस घर में कभी दरिद्रता तो प्रवेश कर ही नहीं सकती है। यंत्र और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का केसर मिश्रित जल से, दूध से, दही से, शहद से, सुगंधित इत्र से, अनार के रस से, ध्यान रखिएगा माँ लक्ष्मी का अभिषेक आज अनार के रस से करना है। केसर का तिलक अर्पण करना है। माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, अक्षत, लाल वस्त्र, दूध से बने पकवान अर्पण करने हैं। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। एक पीले कपड़े में, पीले कपड़े में पांच पीली कोड़ियां, पांच पीली कोड़ी, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का, थोड़े से केसर की पत्तियां, एक चांदी का सिक्का, सफेद आंकड़े के पौधे की जड़, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सफेद आंकड़ा जो होता है उसकी पौधे की जड़ का टुकड़ा, ये भी उस सामग्री के अंदर रखना है। इसके पश्चात में माँ लक्ष्मी बांक को 108 लाल रंग के गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं। हर बार एक एक पुष्प चढ़ाते समय एक मंत्र आपको बोलना है। ओम श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। ओम श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। ओम श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण करने हैं। इस तरह सारे पुष्प अर्पण करने के पश्चात, 108 बार मंत्र बोलने के पश्चात, 108 गुलाब के पुष्प अर्पण करने के पश्चात में माँ लक्ष्मी की आरती पांच बत्तियों वाले दीप से करनी है। अपने आर्थिक संकट दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए, पुष्पांजलि करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आज सात कन्याओं को अपने घर पे बुलाइएगा। सात कन्याओं को अपने घर पे बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी खिलाइएगा, यथा योग्य उनको दक्षिणा दीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से, सात कन्याओं में से किसी एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी हुई जो पीली पोटली है, जो श्रीयंत्र है, और पारद की जो माँ लक्ष्मी जी है, उन्हें अपने घर की तिजोरी अथवा अपने घर के शोरूम के कैश काउंटर में रखवा दीजिएगा। निश्चित तौर पर आज इस महाचमत्कारिक उपाय के प्रभाव से माँ लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। बिल्कुल, तो भगवान गणेश, भगवान लक्ष्मी, कैसे आप उनको प्रसन्न करें, क्या कुछ उपाय करें, ये पंडित जी ने हम सभी को बताया। साथ ही साथ आपको पूजन विधि भी बताई पुष्य नक्षत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंह जी जुड़ेंगी। आप कहीं मत जाइएगा।